गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. यस एम ऑडिबल. ओके जस्ट वेट फॉर 2 मिनट. यस एम ऑडिबल एवरी वन. ओके यस गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. सो यस टुडे वी आर गोइंग टू कवर द 22nd ऑफ जून करंट अफेयर्स प्लस कल का हमारा एक दो पार्ट बाकी थे वो हम देखेंगे और ऑफर्स के बारे में हम बाद में जानकारी लेते हैं. सो थोड़ा सा लेट हो चुका है इसलिए हम डायरेक्टली न्यूज़ पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं. राइट तो फर्स्ट जो न्यूज़ थी एक्चुअली कल हमारी कवर करनी बाकी रह गई थी तो वो पहले देख लेते हैं. सो दैट इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा. यस इंटरनेशनल डे ऑफ योगा. ओके सो ये जो सेलिब्रेट होता है सो दैट इज़ ऑन द 21st ऑफ जून. ओके कि जब यस कौन सा सॉलिस्टाइस होता है 21st ऑफ जून को. विच सॉलिस्टाइस इज देयर. यस नहीं सुबलक्ष्मी आज PYQ नहीं. PYQ आज कैसे होगा. PYQ मेंशन नहीं किया था हमने क्लासेस में. यस दैट इज द समर सॉलिस्टाइस. राइट याद है ना सबको कि 23.5 डिग्री नॉर्थ. ओके देन आफ्टर दैट 23.5 डिग्री साउथ. ओके सो जब समर सॉलिस्टाइस विंटर सॉलिस्टाइस होते हैं या सनराइज डायरेक्टली होते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर पे वो तारीख होती है 21st ऑफ जून को. ओके कि जब हमारा एक लॉन्गेस्ट डे हम कंसिडर करते हैं. लॉन्गेस्ट डे जब कंसिडर होता है. राइट ओके एंड इक्वेटर पे जो सनराइज डायरेक्ट होते हैं दैट इज ऑन 21st ऑफ मार्च एंड 21st ऑफ सेप्टेम्बर. राइट विच इज नोन एज द यस विच इज नोन एज द इक्विनॉक्स डेट्स. एंड 21st ऑफ डिसम्बर को सनराइज डायरेक्ट कहाँ पे होते हैं. यस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की तरफ. तो ये डेट्स को हम क्या कहेंगे. सो दैट इज दिसंबर को डायरेक्ट सनराइज हो गए सदर्न हेमिस्फीयर में. यस विंटर सॉलिस्टाइस जिसको हम बोल सकते हैं. सो यही है कि 21st ऑफ जून ओके इज कंसिडर्ड एज द लॉन्गेस्ट डे इन एंटायर ईयर. ओके बिकॉज डायरेक्ट सनराइज जो होता है वो कहाँ पे होते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ. सो दैट्स वाई यस लॉन्गेस्ट डे हम यहाँ पे देखते हैं. तो वो एक योगा डे एज अ सेलिब्रेट होना चाहिए ऐसे एक कंसेप्ट आ चुकी है. मतलब आई है 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन्होंने कुछ डिफरेंट इंटरनेशनल मीटिंग्स में ये डिक्लेयर किया था. ओके कि ऐसे कुछ डिफरेंट मंथ सेलिब्रेट होना चाहिए. तो जो कि आप देख सकते हो ये प्रपोज बाय इंडिया है 2014 में देखो. सो आइडिया वॉज प्रपोज. जस्ट अ सेकंड देयर इज सम टेक्निकल इश्यू. जस्ट वेट. हाँ सो देखो सो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ये किसने प्रपोज किया था. फर्स्ट इंडिया ने ही प्रपोज किया 69th सेशन कुछ ओपनिंग 69th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. तो 2014 में जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की नॉर्मल से एक मीटिंग थी तब इंडिया ने यहाँ पे या नरेंद्र मोदी जो थे उन्होंने यस यहाँ पे डिसाइड किया कि कुछ ऐसा वर्ल्ड इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट होना चाहिए. राइट सो 21st ऑफ जून ये फर्स्ट टाइम ऐसे कुछ यहाँ पे 2014 में सेलिब्रेट हुआ था. सो द फर्स्ट योगा डे सेलिब्रेशन इन 2015 नेक्स्ट ईयर जो हुआ था राजपथ पे हुआ था न्यू दिल्ली में जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसको लिखा गया था. ऑलमोस्ट 35,000 प्लस लोग यहाँ पे योगा ये सेशन कुछ कर रहे थे. वर्ल्ड लार्जेस्ट योगा सेशन था इसलिए इसको वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिलता है. यस यस एग्जैक्टली एंड इंडिया वॉज सपोर्टेड बाय मोर देन 100 कंट्रीज. सो 84 नेशनलिटीज एंड पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आ गए थे. यस तो ऐसे ये यस 21st जून फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट हुआ था 14-15 में. सो एनीवेज अगेन फिर से देखो यहाँ पे. सो इस बार भी यहाँ पे सेलिब्रेट हुआ है तो ये 7th सेशन है समझ पा रहे हो. तो 14 के बाद हम अभी ये 21 का देखेंगे. सो इट इज़ द 7th सेशन जो 14 में हमने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था उसके बाद ये अभी 7th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा रहेगा. एंड द थीम
ऑफ दिस योगा डे इज द योगा फॉर वेलबिंग. ओके, सो दैट इज द योगा फॉर वेलबिंग इज देयर. एंड लास्ट ईयर जो थी थीम, तो सब घर में बैठे थे, है ना, लॉकडाउन चल रहा था, कोविड इतना ज़्यादा फैल गया था, तो तब थीम क्या थी वो टाइम पे? सो योगा फॉर द हेल्थ, योगा एट द होम. ओके, वो लास्ट ईयर की थी, 2020 वाली थीम थी जब कोविड चल रहा था, राइट. सो योगा फॉर हेल्थ एंड योगा एट होम. बट इस बार की क्या है, योगा फॉर वेल बींग है. क्लियर है, अंडरस्टूड एवरीवन? सो बाकी योगा ट्रेनिंग एक्सेट्रा, अलग अलग सेशंस यहाँ पे लिए गए, योगा प्रोटोकॉल एंड योगा ट्रेनिंग एक्सेट्रा. बाकी प्राइम मिनिस्टर योगा अवार्ड कुछ यहाँ पे डिक्लेयर किया गया था इस बार, मतलब अलग अलग फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स इस बार 7th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को लिए गए. उसमें से कौन से योगा ट्रेनिंग कुछ लॉन्च किया है, कॉमन योगा प्रोटोकॉल एंड योगा वॉलंटियर ट्रेनिंग कोर्सेस कुछ लॉन्च किए रिसेंट, मतलब ये 2021 की बात है. सो प्राइम मिनिस्टर यस योगा अवार्ड कुछ स्टार्ट किया इस बार हमने पहली बार. योगा एंड मी फोटोग्राफी कंटेस्ट स्टार्ट किया, जैसे अभी देखो है ना, अनएकेडमी पे भी हमारे अलग अलग कंटेस्ट होते हैं, तो ऐसे अलग अलग यहाँ पे कंटेस्ट कुछ स्टार्ट कर दिए योगा डे पे, है ना. योगा ट्रेनिंग, प्राइम मिनिस्टर योगा अवार्ड एंड योगा एंड मी फोटोग्राफी कंटेस्ट, देन जिंगल कंटेस्ट, है ना, IDY इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, सो दैट इज द जिंगल कंटेस्ट, IDY डिस्कशन. तो ऐसे अलग अलग इनिशिएटिव, ये किस साल के हैं? सो इस साल के हैं, 2021 के इनिशिएटिव्स प्राइम मिनिस्टर इन्होंने स्टार्ट किए. अंडरस्टूड, गेटिंग माई पॉइंट? तो पूछ सकते हैं कि भाई ये कब के हैं, मतलब ये जो इनिशिएटिव्स हैं कौन से साल के, तो इस साल के ही है वो, ठीक है. उसके बाद ये तो चलो हमने देख लिया, सबसे पहले प्रपोज इसको किसने किया था, तो इंडिया ने किया था 14 में, और उसके बाद 2015 से एक्चुअली फर्स्ट ये स्टार्ट हुआ था, राइट. और उसके बाद अबाउट योगा अगर हम देखेंगे, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योगा, कैन यू प्लीज टेल मी दैट, कि योगा का मीनिंग क्या है, बता सकते हो? क्या है योगा का मीनिंग, व्हाट इज द योगा मीनिंग? संस्कृत कुछ वर्ड आ जाता है, तो क्या है मीनिंग योगा का? यस, कुछ अंदाज लगा सकते हो तो वो भी आपके एंड से. यस यस, जितने भी आपको कुछ ना कुछ तो मीनिंग होगा ना योगा का. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योगा? यस, वेरी गुड नीलेश. योगा मीन्स यूनियन, है ना. सो देखो यहाँ पे, सो योगा इज डिराइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड मीन्स टू ज्वाइन और टू यूनाइट और टू सिंबलाइजिंग द यूनियन ऑफ अ बॉडी एंड कॉन्शियसनेस. जिसको हम बोलते हैं ना योग आ चुका है, किसी की शादी करवानी है तो बराबर हम बोलते हैं ना योग आ गया, अभी ये सही टाइम चल रहा है ना. सो दैट इज द काइंड ऑफ योगा, मतलब अभी यहाँ पे शादी वाली बात नहीं है, कुछ अलग बात होगी यहाँ पे. सो योगा इज डिराइव फ्रॉम द संस्कृत एंड मीन्स टू ज्वाइन और टू यूनाइट, सिम्बलाइज द यूनियन ऑफ बॉडी विद द कॉन्शियसनेस, ना. अब हमारे बॉडी का जो यूनियन होगा वो दैट इज विद द कॉन्शियसनेस, दैट इज विद द पीस. सो दैट इज द थिंग. यस यस, सो क्लियर है? तो देखो योगा इज एन एंशंट फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दैट ओरिजिनेट इन इंडिया. ओके, सो इट इज डिराइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड, समझ चुका है सबको, तो दैट इज द यूनियन ऑफ बॉडी एंड कॉन्शियसनेस. सो टुडे इट इज अ प्रैक्टिस इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ द अराउंड द वर्ल्ड एंड कंटिन्यूस ग्रो इन द पॉपुलरिटी ऑल्सो. सो जिसमें आप इनिशिएटिव रिलेटेड टू योगा, इंडिया में क्या क्या इनिशिएटिव लिए जाते हैं योगा के रिगार्डिंग. ओके, सो मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी, जिसको आयुष डिपार्टमेंट हम बोलते हैं, तो इसके रिलेटेड एक अलग सा डिपार्टमेंट भी आता है, दैट इज द आयुष डिपार्टमेंट. इन कॉमन योगा प्रोटोकॉल हैज लिस्टेड यमा, नियमा, आसन एक्सेट्रा अमोंग द पॉपुलर योगा साधन. ओके, तो ऐसे अलग अलग इंडिया ने, मतलब एक काइंड ऑफ मिनिस्ट्री ही यहाँ पे क्रिएट की, आयुष मिनिस्ट्री, जिसमें योगा भी एक पार्ट है. सो दैट इज द इनिशिएटिव फॉर द योगा इन इंडिया, मतलब उतना इंपॉर्टेंस हमने देख के रखा है इसको. देन उसके बाद प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंडर हम डिफरेंट योगा इंस्ट्रक्टर ट्रेन करते हैं, डिफरेंट ट्रेनर्स क्रिएट करते हैं, सो दैट ये आगे चल के योगा को जो है वो स्प्रेड कर सकते हैं. ओके, देन अपार्ट फ्रॉम दिस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमने एक क्रिएट की है, सो BNWSSC ऐसे कुछ एक आती है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो स्किल डेवलपमेंट के अंडर आती है, राइट, वो भी किया है. फिट इंडिया मूवमेंट इंडिया ने स्टार्ट किया था, योगा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द फिट इंडिया मूवमेंट. ओके, सो स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेनरशिप, मतलब अभी यहाँ पे जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, तो इसमें योगा इंस्ट्रक्टर हम क्रिएट करेंगे, जैसे जिम इंस्ट्रक्टर होता है तो उसी तरीके से योगा इंस्ट्रक्टर है, तो जिम इंस्ट्रक्टर को भी पैसे मिलता है, बराबर है, उनको भी एक एम्प्लॉयमेंट मिलता है,
तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसमें हमने स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पे जो फोकस किया है, तो उससे हम योगा इंस्ट्रक्टर अगर क्रिएट करें, फ्री ट्रेनिंग इनको अगर प्रोवाइड करें, जैसे कि 96,000 कैंडिडेट्स ऐसे फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड कर चुके हम अंडर द PMKVY, तो इनको एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो सकता है। ठीक है, तो ये भी एक इनिशिएटिव है, फिट इंडिया मूवमेंट भी आता है। तो अलग अलग ऐसे इनिशिएटिव्स योगा के बारे में आपको याद रखने ही होंगे। ओके, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ तक क्लियर है सबको? यस, अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, सो नाउ नेक्स्ट न्यूज़। तो बस योगा के बारे में इतना याद रखना। 21st, थोड़ा सा समर सॉलिस्टाइस विंटर सॉलिस्टाइस वाली डेट देख लो, 21st ऑफ जून, है ना, वो भी देखना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए टॉपिक ऑफ कैंसर पे सनराइज डायरेक्ट कब होता है, 21st ऑफ जून को, विच इज़ कंसिडर्ड एज द लॉन्गेस्ट डे। या तो फर्स्ट इंडिया टाइम, इंडिया ने एंड सम यूरोपियन यूनियन का नेवल फोर्सेस है, उनमें फर्स्ट ऐसे कुछ एक्सरसाइज हुई है। देखो, फर्स्ट इंडियन नेवी एंड EU नेवल एक्सरसाइज इन द गल्फ ऑफ एडन। सो मेडन इंडियन नेवी यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्सेस, जिसका नाम है देखो EU नेव फॉर, एक्सरसाइज वॉज हेल्ड इन गल्फ ऑफ एडन। तो पूछ सकते हैं कि EU नेव फॉर कंडक्टेड इन एग्जैक्टली विच पार्ट, और EU के अभी क्या सब कंट्रीज आ गए क्या यहाँ पे? नहीं, तो यूरोपियन यूनियन के कुछ ही कंट्रीज है, जिसको हम आगे देखने वाले कौन से कंट्रीज है। बट EU नेव फॉर इज द एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन नेवी एंड यूरोपियन यूनियन, सम कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन, जो कि फर्स्ट हमारी ऐसे एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है इस बार, जो कि 18 जून या 19 जून को कुछ कंडक्ट हुई थी। सो गल्फ ऑफ एडन में हो चुकी है। सो कैन यू प्लीज टेल मी दैट कि गल्फ ऑफ बारबेरा कहाँ पे आती है? गल्फ ऑफ बारबेरा कहाँ पे आती है एग्जैक्टली? एग्जैक्ट लोकेशन क्या है बताओ, चलो फास्ट। वेयर इज द गल्फ ऑफ बारबेरा? बिकॉज ये एक्सरसाइज वहाँ पे भी एक्सटेंड की थी बाद में। चलो बताओ कहाँ पे आती है गल्फ ऑफ बारबेरा? वेयर इज द गल्फ ऑफ बारबेरा? फास्ट, वेयर इज द गल्फ ऑफ बारबेरा? यस, एटलीस्ट कुछ ना कुछ हिंट तो होगी इसके बारे में। यस, एग्जैक्ट लोकेशन, वेयर इज द गल्फ ऑफ बारबेरा? क्योंकि ये एक्सरसाइज वहां पे भी हुई थी, तो कहां पे आता है? यस, दैट इज द सेम लोकेशन। सो गल्फ ऑफ एडन इज ऑल्सो नोन एज द बारबेरा, तो कुछ अलग नहीं है, तो येमेन बताने से बेटर है कि सेम है ना? यस, सो येमेन बताने से बेटर तो ये होगा ना कि गल्फ ऑफ एडन ही बता दो। ठीक है, बिकॉज द गल्फ ऑफ बारबेरा, ओके, सो इज द सेम लोकेशन, यू कैन सी दिस। ओके, सो गल्फ ऑफ एडन इज ऑल्सो नोन एज द बारबेरा, गल्फ ऑफ बारबेरा। ओके, सो यही लोकेशन आता है कि जहाँ पे ये एक्सरसाइज हुई थी रिसेंटली, गल्फ ऑफ एडन के पास। ओके, तो वो आपको बताना था। चलो इस पे आते हैं फिर से, पहले देखो एक्सरसाइज के बारे में। सो इंडियन नेवी एंड अदर नेवल फोर्सेज फ्रॉम इटली, स्पेन एंड फ्रांस, अब ये EU के तीन कंट्रीज आते हैं कि जिनके साथ हमने ये फर्स्ट एक्सरसाइज की है, ऐसी फर्स्ट स्टार्ट हो चुकी है। द नेम इज EU नेव फॉर। ओके, तो कंट्रीज कौन सी देखो, इटली, स्पेन एंड फ्रांस। ओके, सो जिसमें एडवांस एयर डिफेंस, एंटी सबमरीन एक्सरसाइज, टैक्टिकल मैनोवर्स, सर्च एंड रेस्क्यू एंड अदर मैरिटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन इसमें होंगे। टू एनहांस द होम एंड देयर वॉर फाइटिंग स्किल्स एंड एबिलिटी, इंटीग्रेट फोर्स टू प्रमोट द पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द येमेन और ओवरऑल दैट मैरिटाइम रीजन, दैट गल्फ ऑफ एडन मैरिटाइम रीजन। सो नाउ फर्स्ट हैव अ लुक। ओके, सो यहाँ पे देखो, सो दिस इज द गल्फ ऑफ एडन। वैसे तो हमने बहुत डिटेल में लिया था जब हमने मैपिंग के सेशंस लिए थे। सो दिस इज द गल्फ ऑफ एडन, यस, तो यहाँ पे वो एक्सरसाइज हुआ। एंड दिस गल्फ ऑफ एडन इज ऑल्सो नोन एज, यस, गल्फ ऑफ बारबेरा, ओके, विच इज टू द साउथ ऑफ येमेन, नॉर्थ ऑफ सोमाली। ओके, तो यहाँ पे ये जो अफ्रीकन पार्ट है, दैट इज द सोमाली, उसके नॉर्थ में, येमेन के साउथ में। ओके, उसके बाद ईस्ट में जाओगे तो थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट में देखोगे दिजबौती आता है, दिजबौती इज देयर। नहीं, रहने तो ना, ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे क्या कंपल्सन है क्या
यहाँ पे अगर यूरोप नहीं है तो यहाँ पे एक्सरसाइज नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडियन ओशन में कितने सारे यूरोपियन कंट्रीज आ जाते हैं कि जिनके साथ हमारी एक्सरसाइज होती है। इवन गल्फ ऑफ ओमान में भी तो बहुत सारे कंट्रीज का एक्सरसाइज होता है, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं रहता है। सो हम सब ऑफिशियली डिक्लेयर करके ही यहाँ पे एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं कि कल जाके अगर यहाँ पे कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, सो हाउ टू टैकल इन दिस रीजन, है ना। सो इसलिए वो एक्सरसाइजेस होते हैं। क्लियर है गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसे नेसेसरी नहीं कि यहाँ पे अगर वो कंट्री सराउंडिंग है तो उनके साथ ही हो, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। ठीक है, सो गल्फ ऑफ एडन, अंडरस्टूड? तो यहाँ पे देखो एग्जैक्ट लोकेशन, सो इट इज ऑल्सो नोन एज गल्फ ऑफ बर्बेरा, डीप वाटर गल्फ बिटवीन द यमन टू द नॉर्थ एंड द अरेबियन सी टू द ईस्ट कोस्ट, ओके, डिजबाउती टू द वेस्ट एंड ग्वारदफई चैनल। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, एक अलग सा पॉइंट है, ठीक है। सो दैट इज, ये भी पूछ सकते हैं ग्वारदफई चैनल कहाँ पे आता है, ओके, ग्वारदफई चैनल। सो यहाँ पे यही सोमालिया के जो केप जैसा ये पार्ट दिख रहा है ना, तो ये पार्ट है वो चैनल, ग्वारदफई चैनल, ओके। देन आफ्टर दैट सोकोट्रा पार्ट जो है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो कि यमेन का आइलैंड है ना, तो दैट इज द यमेन का ही पॉलिटिकल कंट्रोल है इस पर, सो दैट इज द दिस आइलैंड, ओके। तो यहाँ पे पूछ सकते हैं कि ये आइलैंड किसका है, क्या है ना, ये से बहुत सारे अलग अलग कभी कभार क्वेश्चन आते हैं। तो दिस आइलैंड इज ऑफ द यमेन, ओके, दैट इज द सोकोट्रा यमेन, सोकोट्रा यमेन पार्ट, एंड सोमालिया टू द वेस्ट, ओके, सोमालिया टू द साउथ सॉरी, एंड इन द नॉर्थ वेस्ट इट कनेक्ट्स विद द रेड सी थ्रू द बैबल मैनदेप। चलो ये तो सबको पता है ना, तो ये बैबल मैनदेप से देखो यहाँ पे कनेक्ट होती है, सो विद द बैबल मैनदेप, एंड एडन पोर्ट इज ऑल्सो देयर ऑफ द यमेन, ओके। यमेन का कैपिटल एक्चुअल जो है वो सनान आता है, बट द मेजर पोर्ट ऑफ द यमेन इज द एडन, और यहाँ से ही देखो आगे आ जाओ तो बैबल मैनदेप में आ जाओगे, फिर उसके बाद रेड सी है, उसके बाद स्वेज कैनल एंड मेडिटेरेनियन सी, लाइक दिस, ओके। सो टू द वेस्ट इट नैरो इन टू द गल्फ ऑफ तैजौरा इन दिजबाउती। तो यहाँ पे गल्फ ऑफ एक तैजौरा बोल के एक आता है, तो बस देख लेना, ये छोटे छोटे पॉइंट्स भी कभी कभार इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर यहाँ पे कुछ नेवल एक्सरसाइजेस हो जाए, या कुछ भी अगर करंट अफेयर डिस्प्यूट्स एक्सेट्रा अगर होते हैं, कुछ वॉर कंडीशन लाइक होती है, तब ऐसे छोटे पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखो मैं सर्कल कर रहा हूँ जो अभी तक हमने मतलब बहुत ही कम देखे थे, बट यू शुड नो अबाउट दिस, सो दिस थ्री लोकेशन, ओके। बाकी सब हमने इसके प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं, ओके। सो बर्बेरा होगा, ये गॉर्दुफई होगा, सोकोट्रा होगा एंड टैजोरा होगा। सो ये सर्कल करके रखा है मैंने, ये मस्ट बी गो थ्रू करो, है ना, इसको नोट करके रखो, और उसके बाद मतलब लाइक उसको मैपिंग भी कर सकते हो आप, चलेगा। तो क्लियर है यहाँ तक सबको? सो नेक्स्ट है, ओडिशा प्लान्स टू प्लांट मैंग्रोव अलोंग इट्स कोस्ट। सो क्यों मैंग्रोव कोस्ट पे हम ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस, ओके, बिकॉज मैंग्रोव स्टैंड एज अ सेफ्टी हेज। मैंग्रोव बहुत अच्छा एक सेफ्टी हेज प्रोवाइड करता है, मैंग्रोव प्रोटेक्ट्स द एंटायर कोस्टल एंड कोस्टल सिटीज एंड कोस्टल स्टेट्स फ्रॉम द साइक्लोन एंड जो सॉइल इरोजन होता है कोस्ट लेवल पे, या सुनामी हो, तो इससे बहुत अच्छा एक प्रोटेक्शन देता है। और वही यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया था कि साइक्लोन याश जब हिट हुआ था वेस्ट बंगाल के पार्ट्स में, उड़ीसा के पास में, ओके, सो दैट इज इन द वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा पार्ट, तो तब यहाँ पे ड्यू टू द लॉट्स ऑफ मैंग्रोव्स, ओके, यहाँ पे साइक्लोन यास के थ्रू जो है वो जो अफेक्ट हुआ ये रीजन में, तो वो डेफिनेटली कम हुआ था, लेस अफेक्ट हुआ था। सो बैरियर टू साइक्लोन स्टॉर्म, ओडिशा प्लान्स टू प्लांट मैंग्रोव्स अलोंग इट्स कोस्ट, ओके। सो इसलिए मैंग्रोव्स अभी न्यूज़ में आ जाते हैं, तो देख लो इसको, एंड कसूरीनास भी आ जाते हैं, मैंग्रोव एंड कसूरीनास भी यहाँ पे रहेंगे। सो कसूरीना इज अ काइंड ऑफ, यस, इम्पॉर्टेंट, एक वैसे तो इन्वेजिव काइंड ऑफ में आई थी ये, जब इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी ये, तो पूरे इंडिया में ये स्प्रेड है, और ये एडवर्स कंडीशन में भी कसूरीनास पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट मिलता है, अगर हिमालय आप छोड़ दो या कुछ नॉर्थ ईस्ट के बेल्ट छोड़ दिए, तो कसूरीनास हर जगह पे मिलते हैं। थोड़े से ये जो आपका ये होता है ना, क्या नाम है उसका, क्रिसमस ट्री जैसे थोड़े से अपीयर होती है कसूरीनास, बाद में एक बार देख लेना, वैसे मैंने प्रीवियस करंट अफेयर्स में ये कवर किया था। तो कसूरीनास हो एंड मैंग्रोव्स का प्लांटेशन यहाँ पे, मतलब उन्होंने फाइनली मतलब ये दिखाया कि नेचुरल बैरियर टू साइक्लोन विंड्स इन भितरकनिका ड्यूरिंग द साइक्लोन कंडीशंस। सो व्हाट आर द एग्जैक्टली मैंग्रोव्स, यू कैन सी दिस, ओके। सो बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉरेस्ट का पार्ट है, इवन इंडिया का 2.4%, ओके, इतना पार्ट मैंग्रोव से कवर होता है, और जिस वजह से एक एक
बहुत अच्छे एयर पोल्यूशन के लिए भी CO2 सिंक, जिसको हम बोल सकते हैं CO2 सिंक भी प्रोवाइड करता है। और उसके अलावा यहाँ से जो वाटर फ्लो होगा, राइट, मतलब रिवर का एंड पॉइंट होता ही है कि जब डेल्टास के पास रिवर जाती है तो एंड पॉइंट पे ही यहाँ पे आपको मैंग्रोव दिखेगी ब्रेकिश वाटर में, कोस्टल रीजन्स में। तो यहाँ पे वाटर पोल्यूटेड होने के चांसेस बहुत होते हैं, बट इनमें एडाप्टेबिलिटी होती है कि इनके थ्रू थोड़ा सा वाटर जो है लेस पोल्यूट हो जाता है। सो देखो, यूजुअली मैंग्रोव्स ये जो है तो वो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आता है कि जहाँ पे टेम्परेचर जो है तो ऑन एंड अराउंड टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस हो, या फिर 25 टू 40 के बिटवीन वेरिएट करता है। एंड लैटिट्यूड अगर देखे जाए तो 30 टू 30 के बीच में, 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ, विद द ग्रेटेस्ट मैंग्रोव आर इन द 5 डिग्री, मतलब इक्वेटर के पास तो सबसे ज़्यादा दिखता है। अ मैंग्रोव इज अ श्रब और स्मॉल ट्री दैट ग्रोज कोस्टल सलाइन ब्रेकिश वाटर में, ये ज़्यादातर ग्रो होते हैं। सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज होते हैं, एंड इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, हेलो सीयर, या मतलब सीयर काइंड ऑफ में अगर देखा जाए तो हेलो सीयर या हेलो फाइट्स भी इसको कहा जाता है। सो दैट इज ऑल्सो नोन एज द हेलो फाइट्स। ओके, सो दीज आर द हेलो फाइट्स, मतलब जो सलाइन कंडीशन में भी ग्रो होते हैं उनको हेलो फाइट्स कहा जाएगा, राइट। दे कंटेन द कम्प्लेक्स सॉल्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम, कम्प्लेक्स रूट सिस्टम टू कोप विद द सॉल्ट इमर्शन एंड वेव एक्शन ऑल्सो। दे हैव ब्लाइंड रूट्स एंड विच कॉल्ड द दिस रूट हेल्प दिस द वी कैन से ट्रीज टू रिस्पर द एंड एनारोबिक सॉइल्स ऑल्सो। न्यूमैटोफोर्स जिसको हम बोलते हैं, तो वो एक नेचर उनमें होता है, न्यूमैटोफोर्स। ओके, जो कि एनारोबिक सॉइल कंडीशंस में भी रेस्पिरेशन कर सकता है। एंड द सीड्स ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट ट्री जर्मिनेट इन ट्री इट्सेल्फ बिफोर फॉलिंग, सो दिस इज नोन एज द वाइवा पैरिटी। सो वाइवा पैरिटी इज द फीचर ऑफ द मैंग्रोव, प्लीज नोट दिस पॉइंट, वाइवा पैरिटी इज द फीचर ऑफ द मैंग्रोव। सो इसलिए इसको ज़्यादा किसी पे पॉलिनेशन के लिए हो या जर्मिनेशन के लिए किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे ही सेल्फ जर्मिनेशन वाइवा पैरिटी मोड इसमें होता है। सो इसलिए इनके जो पॉपुलेशन है वो ड्रास्टिकली, मतलब अच्छे लेवल पे अच्छे से यहाँ पे इंक्रीज हो भी सकता है, मतलब नेचुरली ये बहुत अच्छे से खुद को सेल्फ सस्टेन कर सकते हैं, सेल्फली यहाँ पे ग्रो हो सकता है। सो दैट इज़ द फीचर ऑफ द एंटायर मैंग्रोव। ओके, तो यूपीएससी कैन आस्क लाइक दिस, वॉट मतलब इट डू हैव वाइवा पैरिटी नेचर और नॉट, लाइक एनारोबिक सॉइल्स में आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, अलग अलग फैक्टर्स यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। ओके, तो समझ पा रहे हो, क्लियर यहाँ तक? तो मैंग्रोव्स यूजुअली 30 टू 30 में ही, याद रखो, 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ तक मिलेंगे। सो इम्पॉर्टेंस क्या है मैंग्रोव का? सो डेफिनेटली इट वाट रूट हेल्प्स टू इम्पीड वाटर फ्लो एंड देयर बाय एनहांस डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट इन एरियाज वेयर इट ऑलरेडी ऑकरिंग, स्टेबलाइज द कोस्टल शोर्स, प्रोवाइड एंड ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द फिशेस। तो ये एक इकोटोन जोन भी प्रोवाइड करता है देखो, बिकॉज इट इज़ द हेज बिटवीन, इट इज़ द ट्रांजिशन जोन बिटवीन द मरीन इकोसिस्टम एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। सो दैट्स वाई इट इज़ प्रोवाइडिंग अ काइंड ऑफ इकोटोन जोन, कि एक प्रॉपरली एक सेंट्रल जोन क्रिएट करता है, और जो कि ब्रीडिंग ग्राउंड्स हो या फिर हैचिंग साइट जो होता है डिफरेंट टर्टल्स के लिए, तो वो भी यहाँ पे प्रोवाइड होता है। और इस वजह से देखो डाइवर्सिटी हमेशा इकोटोन में ज़्यादा दिखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू द सराउंडिंग इकोसिस्टम। सो दैट्स वाई इट इज़ अ इकोटोन टाइप ऑफ रीजन, फर्स्ट थिंग। ओके, एंड इट प्रोवाइड्स अ गुड ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर फिश एंड टर्टल्स ऑल्सो। ओके, क्लियर है एवरीवन? एंड मैंग्रोव्स मॉडरेट मॉन्सूनल टाइडल फ्लड्स रिड्यूस इनअंडेशन ऑफ द कोस्टल लोलैंड्स। तो जो कोस्टल इरोजन है वो कम करने में भी यहाँ पे हेल्पफुल होता है। ओके, जिससे कोस्टल इरोजन मतलब यहाँ पे ज़्यादा नहीं होगा, नॉर्मल लेवल पे हो जाएगा। सो दे प्रिवेंट द सॉइल इरोजन, प्रोटेक्ट कोस्टल लैंड्स फ्रॉम द सुनामी ऑल्सो, हरिकेन्स एंड फ्लड्स ऑल्सो। ओके, एंड इवन नेचुरल रिसाइकलिंग एंड ऑफ द न्यूट्रिएंट्स भी यहाँ पे होता है। तो कोस्टल रीजन पे क्या होता है, ये सेफ्टी हेज, और ये यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि मैंग्रोव ये स्टैंड एज अ सेफ्टी हेज बिटवीन द इन द साइक्लोन कंडीशन। सो इज इट राइट? यस, इज इट राइट? तो दे आर लाइक अ सेफ्टी हेज, कि जिस वजह से सुनामी हो साइक्लोन हो तो इसको एक वेव ब्रेकर एज अ काम कर सकता है, या फिर जो विंड ब्रेकर है यहाँ पे वो स्टैंड कर सकता है, एज अ विंड बैरियर स्टैंड कर सकता है। सो दैट इज द वेरी ह्यूज बेनिफिट ऑफ दिस सेम। ओके, क्लियर है यहाँ तक सबको? मैंग्रोव समझ पा रहे हो? यस, एवरी वन अंडरस्टूड? सो इंडिया में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कहाँ पे आ जाएगा फिर बताओ, सबसे लार्जेस्ट मैंग्रोव इंडिया में कहाँ पे आता है? यस, लार्जेस्ट मैंग्रोव रीजन इंडिया। ओके, सो बताओ कहाँ पे आएगा, लार्जेस्ट मैंग्रोव रीजन इंडिया में कहाँ पे आएगा? यस, दैट इज इन द फर्स्ट रीजन इज द सुंदरबन। ओके, सो फर्स्ट रीजन इज द
यस सुंदरबन रीजन, ओके, सबसे इंडिया में लार्जेस्ट सुंदरबन में आएगा, राइट। सेकंड नंबर, सेकंड नंबर पे कहाँ पे आएगा? यस स्टेट वाइज जाओगे तो फिर वेस्ट बंगाल ही फर्स्ट आएगा, सेकंड इज द गुजरात बाय द स्टेट, बट एक ही साथ अगर हम सेकंड नंबर पे ज़्यादा देखेंगे, सो दैट इज़ द महानदी एंड ब्राह्मणी जो रीजन्स आता है, मतलब ये जो महानदी ब्राह्मणी रीजन है वो सेकंड नंबर पे आ सकता है, भितरकनिका, महानदी, ब्राह्मणी, ये सेकंड, मतलब एक कलेक्टिवली हम देखेंगे तो, बट स्टेज स्टेट वाइज देखा जाए तो गुजरात इज़ द सेकंड एंड फर्स्ट इज़ द वेस्ट बंगाल, बट एक एक ही क्लोज विसिनिटी में हम एज अ स्टेज देखेंगे तो फिर सुंदरबन इज़ द फर्स्ट एंड सेकंड इज़ द इस महानदी ब्राह्मणी रीजन। बाकी तो अलॉन्ग द कोस्ट, मतलब पूरे कोस्ट पर, आप कोस्ट पर आपको मिल सकता है, इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, है ना, तो ये सब पूरे एंटायर कोस्ट पे आपको हर स्टेट में मैंग्रोव मिलेगा ही, ओके, अलॉन्ग विद द अंडमान निकोबार एंड दिस पार्ट, ओके। तो मैंग्रोव को कोई, मतलब मैंग्रोव को कोई लिमिटेशंस नहीं होता है, सो दे कैन ग्रो ऑन द एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया, बट हाँ कोरल्स जो है, कोरल रिफ जो होता है, कोरल रिफ, सो दे आर ओनली सेलेक्टेड, दे आर ओनली पॉसिबल इन द सेलेक्टेड एरिया। सो लाइक अंडमान निकोबार में सिर्फ आपको मिलेंगे कोरल रिफ्स, सेकेंड गल्फ ऑफ मन्नार पे मिलेंगे, राइट, थर्ड लक्षद्वीप एंड गल्फ ऑफ कच्छ ओनली। तो ऐसे चार ही लोकेशन है जहाँ पे मोस्टली कोरल्स मिलते हैं, बराबर है, बट मैंग्रोव्स आर पॉसिबल ऑन एंटायर कोस्ट, अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, सो क्लियर है यहाँ तक सबको? ओके, सो नेक्स्ट इज द सिकल सेल डिसीज, ओके, मोस्टली जो सिकल सेल अवेयरनेस डे 2021, सो उसके रिगार्डिंग ये कुछ न्यूज़ में था, 19th ऑफ जून, ओके, सो वर्ल्ड सिकल सेल डिसीज डे ऑन 19th ऑफ जून, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स फ्लैग्ड ऑफ मोबाइल वैन्स अंडर द उन्मुक्त प्रोजेक्ट। उन्मुक्त प्रोजेक्ट आज के लिए सबके लिए होमवर्क है, आपको देखना है व्हाट इज द उन्मुक्त प्रोजेक्ट, देखोगे क्या? देखना ही पड़ेगा, है ना, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उन्मुक्त प्रोजेक्ट किसके रिलेटेड है, और जब ट्राइबल लोग वाले लोग की बात आती है, वल्नरेबल सेक्शन की बात आती है, तो वो प्रोजेक्ट तो या वो गवर्नमेंट स्कीम तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। उन्मुक्त प्रोजेक्ट फॉर स्ट्रेंथनिंग स्क्रीनिंग एंड टाइमली मैनेजमेंट ऑफ सिकल सेल डिसीज इन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड एंड छत्तीसगढ़। तो ये जो सिकल सेल डिसीज है वो क्या है आगे देखते हैं, बट यूजुअली ये ज़्यादातर स्प्रेड हुआ है अफ्रीकन एंड इंडियन एशिया, इंडो एशियन जो पार्ट्स है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये स्प्रेड हुआ है सिकल सेल डिसीज, एंड ये हेरिडेटरी है या मतलब नॉन हेरिडेटरी रहेगा, ट्रांसमेबल डिसीज है या फिर हेरिडेटरी डिसीज है, कैसा डिसीज है ये बताओ, चलो फास्ट एवरीवन। SCD इज द, यस बताओ कैसा डिसीज होगा, ये हेरिडेटरी होगा या नॉन हेरिडेटरी, फास्ट एवरीवन। यस इट इज द हेरिडेटरी ना, यस, देखो UNGA ऑल्सो रिकोगनाइज SCD एज वन ऑफ द फर्स्ट जेनेटिक डिसीज, तो ये जेनेटिक और हेरिडेटरी डिसीज है, जेनेटिक और हेरिडेटरी डिसीज में आता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज अडॉप्टेड अ रिजोल्यूशन प्लान, रिजोल्यूशन रिकॉग्निशन ऑफ STD पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, 2008 से ही इसके रिलेटेड प्रोग्राम आते हैं। सो इट इज द एनीमिया काइंड ऑफ, यहाँ पे देख सकते हैं हम सिकल सेल डिसीज, इट इज एन इनहेरिटेड ब्लड डिसीज, ओके, इनहेरिटेड ब्लड डिसीज विच इज मोस्ट कॉमन अमंग द पीपल ऑफ अफ्रीकन, अरेबियन एंड इंडियन ओरिजिन, ठीक है, मोस्टली अफ्रीका, इंडिया एंड अफ्रीकन ओरिजिन के जो लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा दिखता है ये सिकल सेल डिसीज, एंड यस इट इज़ अ हेरिडेटरी, यस सिकल सेल एनीमिया भी आप इसको बोल सकते हो, यस दैट इज द एनीमिया ऑल्सो, ओके, सो दैट इज द सिकल सेल एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, नॉर्मल हीमोग्लोबिन, ओके, जिसमें देखो ये चेंजेस आपको दिख सकते हैं, नॉर्मल RBC एंड सिकल सेल ब्लॉकिंग द ब्लड फ्लो। तो देखो ऐसे सिकल सेल्स अगर यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे ब्लॉक करे, देखो ब्लड फ्लो को यहाँ पे ब्लॉक कर देता है, समझ पा रहे हो, ठीक है। सो इट इज अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स हीमोग्लोबिन एंड मॉलिक्यूल इन रेड ब्लड सेल्स RBC, ओके, दैट डिलीवर्स ऑक्सीजन टू सेल थ्रू आउट द बॉडी। तो ऑक्सीजन जो हमारे पूरे ब्लड में, मतलब हीमोग्लोबिन के थ्रू जो ट्रांसमिट होता है, तो उसको यहाँ पे ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है, ये होती है यस सिकल सेल,
और यहाँ पे अगर ये ब्लॉक क्रिएट्स करेगी राइट, तो यहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन फ्लो नहीं बन पाएगा। सो पीपल विद द डिसीजेस हैव टिपिकल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कॉल्ड द हीमोग्लोबिन एस, ऐसे कहा जाता है हीमोग्लोबिन एस, विच कैन डिस्टॉर्ट आरबीसी इनटू द सिकल एंड क्रिसेंट शेप। देखो ऐसे ये क्रिसेंट शेप में मिलेगा। सो दिस ब्लॉक्स ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द रीचिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो ये सबसे बड़ा इशू यहाँ पे मतलब सिकल सेल एनीमिया में क्रिएट होता है। सो देखो यहाँ पे ब्लॉक कर रहा है, वो दिख रहा है सबको? सो यू कैन सी दिस, सो इट इज़ ब्लॉकिंग द ब्लड फ्लो, सिकल सेल ब्लॉकिंग ब्लड फ्लो। ओके सो दिस इज द एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एस। ओके सो यहाँ पे ये सिचुएशन को हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया डिसीज। सो सिम्टम्स इसमें क्या हो गए कि कॉज सीवियर पेन, रेफर टू एज सिकल सेल क्राइस, ओके क्राइसिस, एंड ओवर टाइम पीपल विद द सिकल सेल डिसऑर्डर कैन एक्सपीरियंस डैमेज ऑफ द ऑर्गन, डिफरेंट ऑर्गन। अगर सीधी बात है कि ऑक्सीजन अगर प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाएगा तो लीवर, किडनी, लंग्स, हार्ट, स्प्लीन इन पर अफेक्ट हो सकता है, एंड इवन सम टाइम इट कैन रिजल्ट ऑल्सो टू द डेथ। ओके सो ये डेथ भी हो सकती है अगर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो, डिसऑर्डर्स हो। तो इसमें एक ही मेडिकेशन मतलब एक ही ट्रीटमेंट है। सो दैट इज़ द मेडिकेशन प्रॉपरली अगर देते रहे हम, लॉन्ग टाइम इसको लगने वाला है, क्रोनिक काइंड ऑफ डिसीज में हम ले सकते हैं, जिसको लॉन्ग टाइम मेडिटेशन अगर मेडिकेशन प्रोवाइड करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो, रेयरली बोन मैरो भी ट्रांसप्लांट करना पड़ सकता है, तो तब जाके ये इशू हम रिजॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इशू अंडरस्टूड, क्लियर है सबको सिकल सेल एनीमिया? ओके सो नेक्स्ट है हर्बिसाइड टॉलरेंट बिटीकॉटन, एसटी बिटीकॉटन जिसको कहा जाता है, हर्बिसाइड टॉलरेंट बिटीकॉटन। सो द इलीगल कल्टिवेशन ऑफ द हर्बिसाइड टॉलरेंट बिटीकॉटन हैज सीन ह्यूज जंप एज द सेल ऑफ इलीगल सीड पैकेट्स हैज मोर देन डबल फ्रॉम द 30 लाख टू 75 लाख, मतलब ऑलमोस्ट मोर देन डबल हो चुके हैं एक साल में, है ना? आप बोलोगे सर इसको क्यों, लाइक इतने लेवल पे ब्लैक मार्केट चल रहा है, इसका इलीगल कल्टिवेशन क्यों चल रहा है? बिकॉज इसके लिमिटेड सेल पे ही यहाँ पे परमिशन है, बिकॉज इट इज़ अ कम्प्लीटली जेनेटिकली ऑर्गेनाइज, जेनेटिकली चेंजेस करके ये न्यू वैरायटी हमने लॉन्च किया, राइट? अब इससे बेनिफिट होता है फार्मर्स को, ओके फार्मर्स को इसके बेनिफिट होते हैं, इसलिए ये ज़्यादातर ग्रो किया जाता है। अब क्या बेनिफिट्स होते हैं, चलो आगे देखते हैं। सो बीटी कॉटन इज़ अ ओनली ट्रांसजेनिक क्रॉप दैट बीन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल सेंटर फॉर द कमर्शियल कल्टिवेशन इन इंडिया। सो इट हैज़ बीन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप टू प्रोड्यूस द इंसेक्टिसाइड टू कॉम्बैट द कॉटन बॉलवर्म। तो कॉटन बॉलवर्म होते हैं उनसे इस कॉम्बैट करने के लिए, और कॉमन पेस्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ है, क्रिएट किया है। सो इंडिया में सिर्फ बीटी कॉटन को ही परमिशन दी गई थी बाय द GEAC, है ना? सो जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी के थ्रू, 2002 की बात है, ठीक है? तो उसके बाद ऐसे कोई मतलब जो अब हम जिसको बोलते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो है, तो उसको अभी तक ऐसे कोई परमिशन नहीं दिया है, ठीक है? तो याद रखना बीटी कॉटन इज द ओनली ट्रांसजेनिक क्रॉप दैट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द सेंटर फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन। ओके सो हर्बिसाइड टॉलरेंट में क्या फ़र्क है अब इसमें? बीटी मतलब क्या है? बैसिलस थोरेंजिसिस। ओके तो इसमें एचबीटी में क्या फ़र्क है एचटीबीटी में? सो हर्बिसाइड टॉलरेंट मतलब जहाँ पे सराउंडिंग में जो हर्बिसाइड क्रिएट होते हैं तो वो भी यहाँ पे कम हो जाएंगे। सो कॉटन वेरियंट एड्स अनदर लेयर ऑफ द मॉडिफिकेशन मेकिंग द प्लांट रेजिस्टेंट टू द हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट बट हैज नॉट बीन अप्रूव्ड बाय द रेगुलेटर्स। फियर्स इंक्लूड द ग्लाइफोसेट हैविंग द कार्सिनोजेनिक इफेक्ट एंड एज वेल एज द अनचेक्ड स्प्रेड ऑफ द हर्बिसाइड रेजिस्टेंट। ओके सो दैट इज नियरली थ्रू द पॉलिनेशन एंड क्रिएशन ऑफ द वराइटीज सुपर वीड्स। मतलब जो सराउंडिंग में वीड्स क्रिएट होते हैं तो वो यहाँ पे कम हो जाएगी, मतलब जो इनके सराउंडिंग में होता है। सो नीड क्या है इसकी? सो इट सेव द कॉस्ट। अब लोग इसका इलीगल इतना क्यों यूज़ कर रहे हैं, है ना? तो इसका कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, इसलिए तो इसको इतना यूज़ किया जा रहा है इलीगली। सो व्हाट इज़ द इलीगल मतलब ओवरऑल सॉरी व्हाट इज़ द नीड फॉर यूजिंग द एसटीबीटी? सो सेव कॉस्ट। देर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ द लेबर नीडेड टू डू लिस्ट एटलीस्ट टू राउंड्स ऑफ द बीडिंग फॉर द बीटी कॉटन। तो अगर मैंने यहाँ पे कुछ कॉटन लगा दिया और सराउंडिंग में बहुत सारी वो कांग्रेस वाली ग्रास आती है ना, बहुत सारी आपने सुना होगा कभी, या ओवरऑल वीड आती है, तो इसको हमेशा निकालते बैठेंगे, है ना? तो उतना टाइम ही नहीं होता और उतने लेबर भी लगने लग जाएगी यहाँ पे, और उनको भी अलग से पे करना पड़ेगा। सो सिंपली अगर हम देखेंगे, सिंपली वन राउंड ऑफ ग्लाइफोसेट स्प्रेइंग इज नीडेड विथ नो वीडिंग एंड इट सेव 7000 to 8000 पर एकर। तो अगर मुझे हर एकर में ऐसे वीडिंग दो बार तो भी करना है अगर,
उसको लेबर कॉस्ट ऑलमोस्ट 7 से 8 हज़ार रुपये का लग जाता है। तो इसके सराउंडिंग में बस मैंने एक एचटीबीटी का स्प्रे मार दिया, ओके, वन राउंड ऑफ ग्लाइफोसेट स्प्रे अगर कर दिया तो यहाँ पे सराउंडिंग में जो विड आती है ना तो वो नहीं आएगी, गेटिंग माई पॉइंट? और इससे मेरा क्या है कि लेबर कॉस्ट बच जाएगा। एंड यही रीज़न है कि जिस वजह से एचटीबीटी को ज़्यादा प्रेफरेंसेस दिए जाते हैं ओवर द बीटी कॉटन, गेटिंग माई पॉइंट? तो हर्बिसाइड टॉलरेंट है ना, ये नेक्स्ट वर्जन उसका अपडेटेड वर्जन है, एक इस अपडेटेड वर्जन ऑफ बीटी कॉटन, ठीक है? तो इसलिए इसका इलीगल मार्केटिंग थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है। एंड अब इंडिया इसलिए डर रहा है कि इससे शायद और कुछ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ना हो जाए, तो इसलिए थोड़ा सा इसको कंट्रोल लेवल पे हमने सेल किया था। बट एक्चुअली साइंटिस्ट जो है, WHO भी यहाँ पे बोलता है सेड इट डज नॉट कॉजेस कैंसर, और इवन एनवायरमेंट छोड़ो, हम पे भी जो कार्सिनोजन इफेक्ट होता है तो वो भी नहीं होगे। तो इवन WHO ने भी बोल दिया है, बट द गवर्नमेंट हैज स्टिल विथहेल्ड अप्रूवल फॉर द एचटीबीटी। तो अभी तक हमने अभी तक अप्रूवल नहीं दिया इसको, मतलब एक हाई लेवल पे जो अप्रूवल होता है या फ्रीली जो सेलेक्ट अप्रूवल होता है तो वो यहाँ पे नहीं दिया है, समझ पा रहे हो? तो इवन WHO ने भी क्लियर कर लिया कि यहाँ पे कोई कैंसर कॉजिंग वगैरह इम्पैक्ट नहीं हो सकता है, तो उतने इम्पैक्ट नहीं हो गए। ओके, सो व्हाट इज़ द GSE? एंड इस पर UPSC ने 2018 में कुछ क्वेश्चन पूछा था, 18 या 19 का कुछ क्वेश्चन है, ओके, रिसेंट ही क्वेश्चन है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है। सो इट इज़ अंडर द एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी। अगर आप कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जनरेट करते हो, प्रोड्यूस करते हो, तो उसको सेल करना या नहीं करना है ये फाइनल परमिशन जो है वो GSE देती है। तो बीटी कॉटन को जैसे ये परमिशन दिए थे 2002 में, तो बीटी ब्रिंजल आया था तो इनको परमिशन नहीं दिया था, समझ पा रहे हो? तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कमिटी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमिटी, विच इज़ द स्टैटूटरी बॉडी, स्टैटूटरी बॉडी, ओके, स्टैटूटरी बॉडी अंडर विच एक्ट? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ओके। सो इसके अंडर एक रूल बना है, सो वो रूल मतलब वही है कि सेल एक्सपोर्ट है ना, देन उसके बाद उसका जो जनरेशन होगा प्रोड्यूस करना, तो इस पे सब पे एक उसके रिलेटेड एक रूल है। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये डायरेक्टली आपने याद भी रख लिया तो भी चलेगा। तो GSE इज क्रिएटेड अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, प्लीज नोट दिस पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंड इट फंक्शंस अंडर द डायरेक्टिव मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, ओके, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अप्रेजल ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग लार्ज स्केल यूज ऑफ हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिकम्बिटेंट्स इन रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फ्रॉम द एनवायरमेंटल एंगल, ओके, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अप्रेजल ऑफ अ प्रपोजल रिलेटिंग टू द रिलीज ऑफ जेनेटिकली इंजीनियरिंग ऑर्गेनिज्म एंड प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स इन टू द एनवायरमेंट इंक्लूडिंग द एक्सपेरिमेंटल फील्ड ट्रायल्स ऑल्सो, ठीक है? तो अगर मैंने बीटी कॉटन यहाँ पे जनरेट कर दिया है, राइट, तो अब इसको रिलीज करना या नहीं करना है? बीटी ब्रिंजल मैंने अगर कर दिया तो इसको रिलीज करना या नहीं करना है? वॉट एवर XYZ जो भी मैं यहाँ पे प्रोड्यूस करूँगा तो उसको रिलीज करना या नहीं करना है? सो दैट इज ओनली फाइनल डिसीजन इज द GSE, ओके, इनका डिसीजन होगा। सो इट इज चेयर बाय द स्पेशल सेक्रेटरी एंड एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड को चेयर बाय द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक ऑल्सो, क्लियर है? तो इनका अप्रूवल आ गया, मतलब हम इसको रिलीज कर सकते हैं, सो दैट उतने एनवायरमेंटल हजार्ड्स यहाँ पे नहीं होंगे। सो रहेगा सबको याद, इट इज द स्टैटूटरी बॉडी अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, क्लियर है? यस यस, अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चन आफ्टर दिस? ग्रेट, सो चलो लेट्स डिस्कस नेक्स्ट न्यूज। सो इबोला आउटब्रेक इन गिनिया इज ओवर, WHO सेज। तो सेकेंड यहाँ पे आउटब्रेक हुआ था, बट बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने टाइम पे कंट्रोल कर लिया। सो WHO ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली अनाउंस द एंड ऑफ गिनिया सेकेंड इबोला आउटब्रेक। तो सेकेंड इबोला आउटब्रेक कहाँ पे हुआ था, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गिनिया। सो कैन यू प्लीज टेल मी द, यस, लोकेशन ऑफ द गिनिया बता सकते हो? वेस्ट अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, कहाँ पे आता है? मैपिंग देखा है हमने, चलो बताओ फर्स्ट, वेयर इज द गिनिया? यस, वेरी गुड, बताओ फर्स्ट, यस, वेस्ट अफ्रीका, वेरी नाइस, है ना? सो दैट इज द वेस्ट अफ्रीका, चलो सही है।
एंड सेकेंड क्वेश्चन इज इट इज कनेक्टेड विद द यस अटलांटिक ओशन और नॉट, इट इज बॉर्डर विद द अटलांटिक ओशन और इट इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, फर्स्ट। क्या होगा बताओ आंसर फर्स्ट। इट इज बॉर्डर विथ एनी पार्ट और नॉट, इट इज लैंडलॉक वन। यस इट इज द अटलांटिक ना, ये हमने देखा है, देखो बहुत अच्छे से डायग्राम देखी थी कि अटलांटिक से ऐसे कुछ कनेक्टेड होगा नीचे की तरफ, गल्फ ऑफ गिनिया तो आता है ना, इसलिए तो हम गल्फ ऑफ गिनिया ऐसे नाम देते हैं, सो दैट इज द गल्फ ऑफ गिनिया, याद है। सो इट इज नॉट अ लैंडलॉक्ड, इट इज कनेक्टेड विद द अटलांटिक ओशन एंड वही तो है गल्फ ऑफ गिनिया। यस दैट इज द थिंग, ओके। तो वहां पे देखो इसका आउटब्रेक हुआ था, सेकेंड आउटब्रेक। सो इट इज अ रेयर बट अ सीवियर ऑफन फैटल इलनेस इन ह्यूमन, ओके। सो इसमें इबोला वायरस के थ्रू बहुत बड़े बड़े इश्यूज आते हैं और हमने इस पर कुछ मूवीज भी आप बाद में देख भी सकते हो। सो इट अफेक्ट्स ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स सच एज मंकीज, गोरिला, चिंपांजीज, इसको हो सकता है। सो शुड आई से दैट इट इज अ जूनॉटिक डिसीज और नॉट, इबोला इज जूनॉटिक और नॉट? इट इज जूनॉटिक और नॉट? फर्स्ट यस इट इज जूनॉटिक ना, यस एग्जैक्टली। तो ये ह्यूमंस सॉरी एनिमल्स टू ह्यूमंस अगर स्प्रेड होता है, ओके, इफ इट इज स्प्रेडिंग फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन, सो देन दिस कंसेप्ट इज नोन एज द जूनॉटिक। तो यस इट इज द जूनॉटिक डिसीज, अंडरस्टूड? या एंड इसका मेन होस्ट कौन है? तो देखो फ्रूट बैट ऑफ द टेरोपाइड टेरोपोटाइड फैमिली आर नेचुरल इबोला वायरस होस्ट माने जाते हैं। फ्रूट बैट याद रखो बस, फाइनली जस्ट रिमेंबर, फ्रूट बैट इज द नेचुरल होस्ट ऑफ द इबोला वायरस। सो इट इज इंट्रोड्यूस इन टू द ह्यूमन पॉपुलेशन थ्रू द क्लोज कॉन्टैक्ट विद द ब्लड सिक्रीशन, अगर जब होता है कोई अगर कफ कर लेता है, ब्लड जब निकलता है उसके माउथ से एक्सेट्रा, ऑर्गन एंड अदर बॉडीली फ्लूड्स ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स सच एज फ्रूट बैट, चिंपांजीज, गोरिला, मंकी, फॉरेस्ट एंटीलोप, तो इनके थ्रू ये भी स्प्रेड हो सकता है, मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसमिट हो सकता है एंड एनिमल टू ह्यूमन भी ट्रांसमिट हो सकता है। सो इबोला स्प्रेड थ्रू द ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन एंड ह्यूमन थ्रू द कॉन्टैक्ट विद द बॉडीली फ्लूड सच एज ब्लड, मोस्टली ब्लड अगर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आ जाए तब ये पॉसिबल हो सकता है। सो 1416 में सबसे बड़ा यहाँ पे वेस्ट अफ्रीका में आउटब्रेक हुआ था, लार्जेस्ट आउटब्रेक हुआ था इबोला का, ओके, सिंस द वायरस वॉज डिस्कवर्ड इन 1976, बट उसके बाद जो 1416 में हुआ था तो सबसे बड़ा आउटब्रेक था, सो जो कि गिनिया में स्टार्ट हुआ था एंड मूव टूवर्ड द सियरा लियोन एंड लिबेरिया। सो देखो सबके सब आसपास वाली कंट्री है वो, तो गिनिया हो, सियरा लियोन हो एंड लिबेरिया हो, सो देखो सब आसपास ही आते हैं वहाँ पे, है ना, वर्टिकली आते हैं, देखो इसको लगते हैं मतलब अटलांटिक ओशन को लगते हैं या गल्फ ऑफ गिनिया को लगते हैं, तो वही एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ये स्प्रेड हुआ था, ओके। एंड ईवीडी केस फैटेलिटी इज द वेरी वेरी ह्यूज, मतलब मॉर्टेलिटी रेट जो इसमें फैटेलिटी रेट है, तो जितने लोगों को होता है उसमें से 50% लोगों की डेथ होती है, तो ये बहुत ज़्यादा फैटेलिटी होगी, है ना, जैसे कोविड में आप देखते हो फैटेलिटी कम है, मतलब 4 to 5%, 3 to 4% वेरिएट करती है, बट नॉट लाइक नॉट मोर देन लाइक 6 to 7%, उससे ज़्यादा तो नहीं है, बट यहाँ पे 50% फैटेलिटी रेट है। सो वैक्सीन्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द इबोला हैव बिन डेवलप्ड एंड हैव बिन यूज टू हेल्प द कंट्रोल स्प्रेड ऑफ द इबोला आउटब्रेक्स, ओके। तो ऐसे कुछ है यहाँ पे, है ना, तो बस याद रखो इबोला थोड़ा सा प्रीवियसली भी पढ़ लो, और रिसेंटली जो गिनिया में सेकेंड इबोला आया था तो वो भी अभी ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, कंट्रोल हो चुका है, जीरो केसेस है नाउ, देयर आर जीरो केसेस, क्लियर है, चलेगा। यस यस एग्जैक्टली, ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, तो आज के लिए इतनी सफिशिएंट न्यूज़ थी, ठीक है, तो इसके बाद जो एक दो न्यूज़ है तो वो बाद में हम देखेंगे और कल के लेक्चर में हम उसको कवर करेंगे, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। यस, तो मिलते हैं कल 12:30 PM को, और मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारा रिमेनिंग मैराथन है रिलेटेड टू द मैपिंग, सो वील कंडक्ट दैट सेशन ऑन मोस्टली ऑन द फ्राइडे, है ना, फ्राइडे या सैटरडे को हो सकता है, फ्राइडे और सैटरडे, ओके। सो वील कंडक्ट द रिमेनिंग मैराथन ऑफ द वर्ल्ड मैपिंग फॉर द यूरोप एंड
साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका, है ना। तो ये तीन बचे हमारे, तो हम जल्द से जल्द उसको कवर करेंगे। ओके, सो फ्राइडे एंड सैटरडे बस थोड़ा सा याद रखो, नोटिफिकेशन चेक करते रहना, ठीक है। ओके देन, सो चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो मिलते हैं टुमारो एट 12:30। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।